था शूट पे, तो वहाँ पर मैं था. बट आई एम वेरी वेरी आई एम डाइंग टू मीट उमर. बात हो रही है फ़ोन पे, बहुत सारी हो रही है. बट हाय मैगजी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट मिल नहीं पाया हूँ अभी तक. प्रिंस को भी नहीं मिल पाया हूँ, बेचारा मेरे चक्कर में आया था ट्रैक सूट में फिनाले पे, ठीक है, और वो फंस गया, मैं निकल गया. सो तेजू शूट कर रही है, तेजू अपना मस्त है. वो मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनके साथ है, तो मैं बहुत खुश हूँ. वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, रंजन सर. एंड 92,000 भाई, इतना प्यार मत दो भाई, बिलीव बिलीव नहीं हो रहा इतने सारे लोग. सो जस्ट वॉन्टेड टू से दिस यार, आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने इतना लेट कर दिया लाइव आना. एंड थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल, बहुत ग्रेटफुल आप लोगों का सबका कि मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, और मेरी हार को भी जीत बना दिया. बट एवरीबडी, ऑल द फैंस दैट हैव सपोर्टेड मी, ऑल द फैन ग्रुप्स दैट हैव सपोर्टेड मी, मेरे सोलो फैंस, तेजरन फैंस, भाई अब तुम लोग आपस में मिल जाओ, क्योंकि खानदान एक ही है, तो अभी यहाँ लड़ाइयाँ खत्म हो गई, यहाँ लड़ाई अभी तक क्यों चल रही है. तो अभी एक काम करते हैं, हम कंबाइन हो जाते हैं, बिकॉज यही है, दिस इज द राइट थिंग टू डू. सो होर दसो भाई, मैं की कहूँ. हाँ मतलब हाँ दसो. हाँ हो गया हाँ जी, बस परवेश तुझे कुछ बोलना है? मैं नहीं सर, ठीक है, ठीक सारे सारे खुश हो, ठीक है, आप लोग है, खुश हो जी. हैं जी, मन्नत हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तेजा को कैसे, नहीं तेजा शूट कर रही है, उसको ऐड कैसे करूँ मैं? वो तो क्या बिग बॉस हाउस में नहीं मेरे को मिलती थी, यहाँ क्या मिलेगी उसको भी ढूंढना पड़ता था, वो लंग जाती थी साइड से. हाँ आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? तो ये बाहर निकलने के बाद बोल दो, आज बोल दो ब्याह का, ब्याह का मेरे, मुझे नहीं लगता मुझे बोलने की जरूरत है, जिस तरह से ये घर वाले वगैरह सारे लगे हुए हैं, मेरे को तो लगता है अगले हफ्ते करा देंगे. बट खड़ जाओ सारे, खड़ जाओ, रुक जाओ, अभी बाहर आया हूँ सांस लेने. तो रणविजय पाजी लव यू, पाजी पाजी वेव करा मैं ते. आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज ऑफ यू गाइज. जब मैं बाहर निकला था तो मुझे नहीं इतना लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत 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 कमाया है, मैंने आप लोगों का प्यार कमाया है, जितना राड़ा डाल दिया आप लोगों ने, जितना, इतना तो टास्क रद्द कराने पे राड़ा नहीं होता था मेरा, जितना आप लोगों ने कर दिया ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे. बट इट मेक्स मी फील वेरी वेरी लव्ड, और जो ये मेरी डिफीट है वो मेरे को बिल्कुल भी डिफीट नहीं लग रही है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल थैंक्स टू यू. मेरा कॉन्फिडेंस जो बाहर आया है, और ये जो 1 लाख लोग मुझे अभी देख रहे हैं कुछ तो अच्छा किया है मैंने, मेरी जिंदगी में इतनी औकात नहीं थी, बट आज है आप लोगों की वजह से. एंड आई फील कॉन्फिडेंट एंड आई फील बैक, मैं हूँ रेडी हूँ फट्टे चकने के लिए. बट जस्ट वॉन्ट टू से बिग बिग थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट. हूँ मैं रो पाना है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिग बॉस के घर जाके बाहर नहीं रोऊंगा, चाहे जितना मर्जी तेजा कोशिश कर ले, मैं नहीं रोने वाला हूँ. बट चाहे जितने मर्जी गफ्फे पड़े, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे यू नो उमर जैसा दोस्त मिला, मुझे निशांत जैसा दोस्त मिला, मुझे तेजा जैसी एक लड़की मिली जिसने यू नो मेरा साथ दिया, और जिसकी वजह से यू नो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि मैं भी बंदा बन सकता हूँ लाइफ में. इट्स हाई टाइम कि हम भी थोड़ा सुधर के रहें. सो चुनाव लड़ लो भाई, अब चुनाव भाई, बिग बॉस की बात अलग है, ठीक है, चुनाव उनाव में मत भेजो मेरे को, मैं पता नहीं क्या ही करके आऊंगा वहां पर भी, उम्र बेले लड़ रहा होगा. मैं कुछ मैं नहीं स्टैंड स्टूड लेने पाजी, मैं स्टैंड स्टूड नहीं लेने, ठीक है, मैं चिल करने गया था, मैं चिल चुल करके आ गया, मैं प्यार प्यूर करके आ गया हूँ. कल मेरे को अली का मैसेज आया कि भाई तू और मैं दोनों बिग बॉस, मेरे को लगता है गर्लफ्रेंड बनाने गए थे, आ गए हैं चिल कर रहे हैं. तो ये बात मुझे अली की बहुत अच्छी लगी, अली गोनी आई लव यू. तो मैंने देखा विजू पाजी ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, वेरी हैप्पी विद ऑल द लव. ते हाँ जी होर कुछ रह गए? प्रिंस, प्रिंस वो डायलॉग बोलो किड़ा, दारू बटर चिकन. बाय द वे, हाँ बटर बाय द वे, मैं आते ही बटर चिकन खा चुका हूँ. बिग बॉस के सेट से बाहर निकल के मैंने और उमी ने फुटपाथ पे बैठ के बीयर पी है, तो बड़ी फीलिंग आई,
बड़ी फीलिंग आई, बड़ी फीलिंग आई, ठंडी बियर निकली उसमें से। ते डैडी के सामने थोड़ा मैं बिहेव करता हूँ, तो जब तक तो मम्मी पापा यहाँ पे हैं मैं थोड़ा शरीफ बनने की कोशिश करूंगा। बट जो फीलिंग आई बिग बॉस के घर से बाहर निकल के, फुल फाइव स्टार से निकल के, जो मैंने सड़क पे बैठ के, फुटपाथ पे बैठ के मैंने और ओमी ने जो पिए बियर, वो बहुत मज़ेदार थी। तो फुल फीलिंग आई। मैं यही बता कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत फीलिंग दी है, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं बहुत एक्टिव रहूँगा। ये क्या हुआ है, ये तो एक तो मेकअप भी नहीं करना आता मेरे को। वो अंडर सर्कल, अंडर आई सर्कल सुकल सारे आ गए हैं ये बिग बॉस के, ना सानू सोन देता इन्होंने, ठीक है ना। इस सुबह सुबह 6 बजे ये जो उठ के गाने बजा देते थे, ठीक है, कभी कभी अच्छा भी लगता था, कभी कभी बहुत बकवास लगता था। भाई अभी तो सोया हूँ, हमें थोड़ी पता लगता क्या टाइम हुआ है। मैं पता लगे लड़ लुड़ के सोया हूँ और वो गाने बज जाते थे, दिमाग की दही हो जाती थी। और ये जो हमने दो दो कटोरियों दाल पे जिंदगी जी है, जिसकी वजह से मैं 90 किलो से 80 किलो का हो गया हूँ, अच्छा तो लग रहा हूँ। दूसरा बाकी तो थोड़ा बहुत खून बचा था, वो तो ठीक मतलब चूस ही लिया आपको पता है किसने। बट बड़ा मजा आया पूरी जर्नी में, टास्क वास्क रद्द रुद कराए आप, कोई टेंशन नहीं ली ते ना गालियों से फर्क पड़ा हमें, ना किसी और चीज़ से पड़ा, हमने जो करना था हमने किया। एंड आज मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं तेज रन, यस तेज रन, बहुत मैं मेरा खुद का कुछ है बचा कुंद्रा स्क्वाड को, तो मैं पाजी कुंद्रा स्क्वाड वालों मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ऐसे मत समझना। जितने भी लोग अभी मेरे साथ भी गुस्सा हो रहे हैं, मैं एक एक को आके पर्सनली पप्पी दूंगा, बट मेरे को नहीं जीने दे रहे ये लोग, कभी ये इंटरव्यू, कभी वो इंटरव्यू, कभी यहाँ कभी वहाँ। भाई पार्टी करने आ जाओ अब दिल्ली, बस बस शरद तू समझता है मेरी, तू समझता है बस मेरे को। मैं और निशांत और आ रहे हैं सारे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ ये देखो नाराज वराज मत हो, अब हम एक बहुत बड़ी फैमिली हैं और हमें बहुत सारे काम एक साथ करने हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है हमारा। और आई रियली होप, माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि मुझे बहुत सारा काम मिले और हम सब मिलके आगे जाएं। और ये जो पूरी कंट्री खड़का दी थी आप लोगों ने रात को, उसको देख के मैं एक आखिरी बार रोया हूँ। सुबह जब मैं इमोशनल हो गया था कि यार शो तो हार गया, लेकिन जितना प्यार आप लोगों ने दिया यहाँ पे मेरे को, मेरी जो बैटरी खत्म हुई है फोन की आपके ट्वीट्स पढ़ पढ़ के, इट रियली मेंट अ लॉट, इट यू नो ब्रॉट मी बैक। और उमर और तेजा का पैचअप का ओ कोई चक्कर नहीं, वो मैं देखो यहाँ तो बल का प्रयोग अलाउड है, ठीक है अंदर नहीं था वो, वैसे हमने वहां भी नहीं छोड़ा, पर सॉरी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनानी, अपा कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनानी, वी विल कीप इट नाइस एंड क्लीन। तो मैं फिर भूल जाता हूँ मैं क्या बोल रहा था। हाँ कुछ बचा है मेरा, अकेले का भी कुछ बचा है मेरा, वो आप टेंशन मत लो, कोई चक्कर नहीं है। मैं उमर को भी संभाल सकता हूँ, मैं तेजा को भी संभाल सकता हूँ, इनफैक्ट मैं सबको संभाल सकता हूँ। मैं हूँ डिप्लोमेटिक इंसान, ना मैं किसी का स्टैंड लिया ना मैंने सबसे यारियाँ बना के रखी। मैं पहला बंदा है जिसने बिग बॉस हाउस में कोई राड़े नहीं पाए, ठीक है, तो मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ में। सो आई थिंक डू नॉट हेट मी फॉर बींग लेजी। मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, थोड़ा सा तेजा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, थोड़ा मैं काम वाम में हो गया था, बट आई एम गोइंग टू रिप्लाई, आई एम गोइंग टू स्टे एक्टिव। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है, मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं सो रहा होता हूँ। देखो बिना गाने के उठने की आदत डाल देनी चाहिए। सो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कुड़ियों, ठीक है, ऑल सेट है जी। तो सारे नू मेरे वालों किसी जिन जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, जिन जिन लोगों ने प्यार दिया है, उन सबको एंड थैंक यू, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मेरा वक्त आ चुका है और मैं अब यहाँ से सिर्फ टेक ऑफ करूँगा और आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई अश्योर यू। अब इसके आगे सिर्फ काम करना है, प्यार करना है और हाँ क्या शादी ये मेरे अपने खुद के बंदे, हाँ विधि मेरे अपने बंदे नहीं मेरे को छोड़ते, तो आप लोग क्या ही छोड़ोगे। तो अब सारे इकट्ठे हो जाओ यार, सारे प्यार में आ जाओ, क्योंकि मुझे हो गया तो आप लोगों को भी हो ही जाना चाहिए। और जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो मैं हगा, जो सब लोगों ने किया, अब इट्स द टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट्स द टाइम टू ब्रेस, जैसे कहा ब्राइट एंड अपवर्ड, जय माता दी, ब्राइट एंड अपवर्ड्स हमेशा।